पहाड़ों के बीच से आती हुई सूरज की पहली किरण और ठंडी हवा के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका पोखरा में। पोखरा नेपाल का एक ऐसा शहर जो अपने नाम में ही अपनी खूबसूरती संजोए हुए है। नेपाली लैंग्वेज में तालाब या लेक का मतलब होता है पोखरी और यहाँ पर टोटल 9 लेक्स हैं। इसी वजह से इस जगह का नाम पोखरा पड़ा। वैसे तो पोखरा का हर एक कोना खूबसूरत है, पर सबसे खूबसूरत है यहाँ की झील और उसके किनारे बैठ के सुंदर पहाड़ों को देखना। आज की वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए विजुअल ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे फिवा लेक में बोटिंग से। उसके बाद हम जाएंगे गुप्तेश्वर महादेव केव, श्री विंध्यवासिनी टेम्पल और दिन का अंत करेंगे हम पोखरा लेक साइट एक्सप्लोर करते हुए। सूरज ढलने के बाद फेवा लेक साइट का नजारा लास वेगस या न्यूयॉर्क से कम नहीं होता, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक पोखरा लेक साइट के अमेजिंग नाइट व्यू को देखने के लिए। चारों तरफ सुंदर पहाड़ों से घिरी हुई झील के नीले पानी में बोटिंग करने का एहसास ही कुछ अलग है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पोखरा में 9 लेक्स हैं, पर फेवा लेक यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल और मोस्ट विजिटेड लेक है। फेवा लेक करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और नेपाल का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। इसकी एवरेज डेप्थ 8.6 मीटर है और मैक्सिमम डेप्थ 24 मीटर है। अगर आप इस लेक में बोटिंग करने क्लियर डे पर जा रहे हैं तो आपको अन्नपूर्णा, धौलागिरी और माचा पूचरे माउंटेन रेंजेस की रिफ्लेक्शन लेक में देखने को मिलेगी, जो कि काफी रोमांचक लगता है। यकीन मानिए, इस जगह की एक झलक ही आपको रिफ्रेश कर देगी। पोखरा लेक साइड से फेवा लेक बहुत ही पास है, तो आप यहां वॉक करके पहुंच सकते हैं। लेक में बोटिंग करने के लिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रोइंग बोट या पैडलिंग बोट ले सकते हैं। बोट्स के प्राइसेस आपको टिकट काउंटर पे दिख जाएंगे। बोटिंग करके आप आसपास बने अदर साइट सीइंग स्पॉट जैसे कि पीस पगोडा ट्रैक, फिशटेल लॉज, रत्न मंदिर, गुरुंग विलेज, ताल बराही टेम्पल तक जा सकते हैं। बोटिंग करते टाइम लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है और ये आपको लेक के किनारे बने एनक्लोजर से मिल जाएगी। इस लेक में बोटिंग का एक्सपीरियंस काफी शांतिपूर्ण होता है। सिर्फ चप्पू का चलना और पक्षियों का चहचहाना ही हमें सुनाई देता है। फेवा लेक पोखरा का मेन सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, नेचुरल ब्यूटी होने के साथ साथ पोखरा के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिशरीज एंड इरिगेशन का भी सोर्स है। ये तो आपने सुना ही होगा कि ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता हैं और कुछ ही ऐसे देश हैं जहां इन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सौभाग्य से नेपाल और भारत उन देश की लिस्ट में टॉप पर है। इनफैक्ट
नेपाल 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था। आज हम हैं नेपाल के फिवा लेक के बीच एक छोटे आइलैंड पे बने हुए तालबराही टेंपल पे, जो लोकल्स और टूरिस्ट में बहुत फेमस है। फिवा लेक साइड से बोट रेंट करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बोट आइलैंड का एक राउंड लेकर आपको मंदिर पे उतारेगी। बोटिंग करते टाइम अनादू हिल, रानी वन और आसपास की अन्य माउंटेन्स का पैनोरमिक व्यू देखने को मिलेगा। सेंचुरी में बना ये तालबराही मंदिर पोखरा के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर कास्की के राजा कुलमंदर शाह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ दुर्गा माँ के वाहरा अवतार की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा ने इस वाहरा अवतार को राक्षसों को मारने के लिए प्रकट किया था। देवी दुर्गा के इस अवतार को अजीमा भी कहा जाता है। हमारे इस विजिट के टाइम ये मंदिर अंडर रेनोवेशन था। मंदिर के चारों ओर फिवा लेक इस प्रसिद्ध मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती है। आप इस मंदिर में सुबह 5:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जा सकते हैं और शाम के टाइम फिवा लेक साइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पोखरा में हमने अपना पहला दिन शुरू किया था कुमदीकोट पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन से। और आज की हमारी नेक्स्ट लोकेशन है गुप्तेश्वर महादेव केव,
जो कि यहाँ की मस्ट विजिट अट्रैक्शंस में से एक है। ये एक नेचुरल केव है जो आपकी पोखरा ट्रिप में एडवेंचर के साथ साथ रिलीजियस एक्सपीरियंस भी ऐड करेगा। जैसा कि हमने पोखरा की पहली वीडियो में बात की थी, गुप्तेश्वर महादेव गुफा की, जहां जाकर देवीज फॉल गायब हो जाती है, तो हम पहुंच गए हैं गुप्तेश्वर महादेव केव। ये केव पोखरा लेक साइड से करीब 5 किलोमीटर दूर है और 10 से 15 मिनट में आप यहां पहुंच जाएंगे। केव की मेन एंट्री की तरफ जाते हुए कई सारी दुकानें हैं। मेन गेट से एंट्री के बाद ओपन एरिया है जहां आपको शेषनाग पे विश्राम करते हुए भगवान विष्णु दिखेंगे। पास ही में आपको शेषनाग और हनुमान गदा का स्टैचू और टिकट काउंटर दिखेगा। गुफा के अंदर जाने के लिए इंटरनेशनल विजिटर्स को 100 नेपाली रुपी का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ से गुफा की तरफ जाने वाली घुमावदार सीढ़ियाँ देखने में काफी आकर्षक हैं। टिकट लेकर घुमावदार स्टेयर्स से केव की एंट्री की तरफ जाते हुए दीवारों पे देवी देवताओं की सुंदर कलाकृति उकेरी गई है। साथ ही समुद्र मंथन का दृश्य भी बड़ी ही सुंदरता से दिखाया गया है। इन्हीं अद्भुत दृश्यों को देखते देखते आप जल्द ही गुफा के द्वार तक पहुंच जाएंगे। गुफा के अंदर काफी अंधेरा है और कई जगह लगातार पानी रुकने की वजह से चिकनाई हो गई है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस केव को विजिट करते टाइम एक टॉर्च जरूर कैरी करें। केव में एंट्री के बाद कुछ स्टेयर्स नीचे जाने पे एक गणेश जी की मूर्ति है और पास में ही काउ शेड बना हुआ है। यहाँ फाइबर से बनी हुई गौ माता है और इन्हें भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो गुफाओं का इतिहास हमेशा से ही रहस्यमय रहा है, पर ये गुफा बाकी गुफाओं से अलग है। 16वीं शताब्दी में खोजी गई ये गुफा वास्तव में कुदरत का अद्भुत करिश्मा है। गुफा के प्रवेश द्वार से कुछ मीटर अंदर जाने पर आपको महसूस हो जाएगा कि जितना सुंदर ये मंदिर बाहर से था, आगे आने वाला रास्ता उससे काफी एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइमस्टोन से बनी चट्टानों के बीच से होते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता बेहद ही दिलचस्प होता जाएगा। गुफा के अंदर पत्थरों से आती हुई पानी की बौछारें अंदर का टेम्परेचर काफी कम कर देती हैं। ये गुफा दो भाग में डिवाइडेड है, पहला भाग जिसमें आप महादेव के दर्शन करेंगे और दूसरे भाग के लिए इस गुफा में 140 मीटर और अंदर जाना होगा। ये गुफा हिंदुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ जमीन के 150 मीटर नीचे स्थापित शिवलिंग एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है और जिस कंडीशन में ये मिला था उसी कंडीशन में इस शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया था।
महाशिवरात्रि, चैते दशई और बाला चतुर्दशी के मौके पे यहाँ भक्तों की खास भीड़ उमड़ती है। लोगों के लिए यह सिर्फ एक गुफा नहीं है, बल्कि भगवान शिव के उपासकों के लिए वास्तव में एक पवित्र स्थान है। अब चलिए महादेव के दर्शन के बाद बढ़ते हैं इस गुफा के दूसरे पार्ट की तरफ, जो हमें देवीज फॉल तक ले जाएगा। मॉनसून के सीजन में ये सेकंड पार्ट मोस्टली क्लोज रहता है, क्योंकि यहाँ पानी भर जाता है। पर अगर आप यहाँ किसी और सीजन में आ रहे हैं तो आप इजीली इस गुफा के एंड तक जाकर देवीज फॉल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ जाके आपको इस गुफा की असली खूबसूरती दिखेगी। ये वही पॉइंट है जहाँ देवीज फॉल पाताल लोक में गायब हो जाती है। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है और 5000 साल से भी पुरानी है। और ऐसा हम नहीं, यहाँ की रॉक्स बताती हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ की रॉक्स को कार्बन डेटिंग मेथड से टेस्ट करके ये पता लगाया गया है कि ये केव करीब 5000 साल पुरानी है। इसके अलावा ये नेपाल की सबसे लंबी गुफा है और जिसकी लंबाई 2950 मीटर है। केव का ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ज्यादा कठिन और क्लॉस्ट्रोफोबिक है। कुछ जगह इस हिस्से में केव की हाइट 4 फीट से भी कम है और यहाँ से झुक के निकलना पड़ता है। सकरी और चिकने रास्तों से होते हुए ऐसे ही आप इस केव के एंड तक पहुंचेंगे, जिसके बाद गुफा के तल तक जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। इन स्टेयर्स का यूज करके आप सेफली उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से देवीज फॉल दिखेगा। इस गुफा की खोज 1991 में हुई थी, जब कुछ लोग कली गंडकी नदी में तैराकी करने आए थे और तैराकी करते समय उनकी नजर घनी झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस गुफा पे गई। अब चलते हैं अपने अगले लोकेशन की तरफ, जो है श्री विंध्यवासिनी टेम्पल। श्री विंध्यवासिनी टेम्पल गुप्तेश्वर महादेव केव से करीब 7 किलोमीटर दूर है और पोखरा लेक साइड से 5 किलोमीटर दूर है। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पे हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटी पहाड़ी पे बना ये मंदिर नेपाल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पारंपरिक नेपाली और भारतीय शैली के मिक्सचर से बना ये शिखर स्टाइल मंदिर
अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिखर स्टाइल पगोडा स्टाइल से भी ज्यादा पुराना है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर परिसर तक जाने के लिए तीन रास्ते हैं। विजिटर्स ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की साइड पे बने स्टेयर्स से मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते वो लोग यहाँ लिफ्ट से भी आ सकते हैं। सफेद पत्थरों से बने इस मंदिर के बाहर बना हुआ गोल्डन मेटल गेट इस मंदिर को और आकर्षक बनाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पे दो स्वर्ण धातु के शेर खड़े हैं, जो ऐसा लगता है कि विजिटर्स का स्वागत कर रहे हैं। पास ही में बड़ी घंटियां लगी हैं, जो बजाने पे संगीतमय स्वर उत्पन्न करती हैं। मुख्य मंदिर के अंदर आप माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है। माँ विंध्यवासिनी माँ काली का अवतार है। कास्की के राजा सिद्धि नारायण शाह विंध्यवासिनी का मंदिर बनाना चाहते थे, जैसा भारत के विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उन्होंने विंध्याचल से मूर्ति मंगवाई थी। इस मंदिर की स्थापना सन 1788 में की गई थी। माँ विंध्यवासिनी पोखरा की और विंध्याचल की रक्षक देवी हैं। मंदिर में पूरे वर्ष कई त्योहार समारोह और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है नवरात्रि उत्सव। इसके अलावा मंदिर में अन्य त्योहारों जैसे तीज दशाई और तिहार के दौरान भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। इस दौरान भक्त मंदिर में प्रार्थना करते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं। मंदिर प्रांगण में बने अन्य देवी देवताओं के मंदिर में से प्रमुख है शिव मंदिर। मंदिर प्रांगण में ही है अष्ट चिरंजीव मंदिर, जिसको नवग्रह मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आपको नौ ग्रहों की छोटी मूर्तियां देखने को मिलेंगी।
अन्य मंदिर में आपको भगवान विष्णु के 3 प्रमुख अवतारों के भी दर्शन करने को मिलेंगे, जो कि है लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण और श्री राम सीता। साथ ही यहां आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। इस मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के साथ साथ ही यहां बने व्यू पॉइंट से पोखरा शहर और आसपास की माउंटेन्स का पैनोरमिक व्यू मिलेगा। ये स्पॉट फोटोग्राफी करने के लिए अच्छी जगह है। दिन भर घूमने के बाद अब एक्सप्लोर करते हैं पोखरा लेक साइड। पोखरा लेक साइड का एक नाम बायदम भी है। लेक साइड के ईस्टर्न पार्ट पे कुछ अमेजिंग लॉजेस, रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड बुकशॉप्स हैं। इसके अलावा यहाँ काफी सारे बजट फ्रेंडली होटल्स से लेकर 5-स्टार होटल्स भी हैं, जिसमें अपने रूम से ही आप लेक का सूदिंग व्यू एंजॉय कर पाएंगे। रंग बिरंगी लाइट से सजे हुए पोखरा लेक साइड की खूबसूरती वास्तव में रात को ही दिखाई देती है। आप यहाँ पे लाइव म्यूजिक के साथ साथ यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की शॉप से अपने फैमिली और दोस्तों के लिए सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ आए हैं तो फिवा लेक साइड से बेहतर प्लेस तो पूरे नेपाल में नहीं मिलेगा आपको पार्टी करने के लिए। यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस हैं। और इसी के साथ हमारा पोखरा में दूसरा दिन खत्म होता है।
मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में यहाँ की कुछ और ब्यूटीफुल लोकेशंस के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।